बीजेपी में पिछले 9 दिनों से चला हुआ तिलिस्म में सीएम फेस को लेकर जो सस्पेंस था वो आज टूट गया है। विधायक दल की बैठक ने अपना नेता चुन लिया है और राजस्थान को एक नया सरदार दे दिया है। बदनलाल शर्मा जो कि संगरण विधानसभा से नवनिर्वाचित विधायक हैं, उनको सीएम पद की दावेदारी दी है। उनके हाथों में सत्ता की कमान सौंपी है। वहीं पर दिया कुमारी और प्रेमचंद बेहरवा को डिप्टी सीएम के पद पर नियुक्त किया है। राजनाथ सिंह पर्यवेक्षक सह पर्यवेक्षकों के साथ जयपुर पहुंचे थे आज सुबह और बीजेपी कार्यालय में जयपुर में मीटिंग हुई थी, विधायक दल की बैठक हुई थी। उनके बाद में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया, बदनलाल शर्मा को सीएम पद की के लिए नियुक्त किया गया। मैं हाल फिलहाल खड़ा हूँ दिया कुमारी जो डिप्टी सीएम बनी है, नवनिर्वाचित डिप्टी सीएम है, उनके बंगले पे खड़ा हूँ, जहाँ पे देख सकते हैं विधाई देने वालों का समर्थन और तांता जो लगातार है वहाँ पे लगा हुआ है। और जमावड़ा जो है दिया कुमारी के यहाँ पे विधाइयों का देने वालों का समर्थन होगा वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब वेट किया जा रहा है कि दिया कुमारी जल्द से ही बंगले पर पहुँचेगी, उनको बधाई दी जाएगी, गुलदस्ते भेंट किए जाएंगे, बुक्के जो है लगातार वो यहाँ पे देते हुए नज़र आएंगे। कुछ ही देर में बाद में जो दिया कुमारी हैं वो पहुँचने वाली हैं। हम कुछ समर्थक जो हमारे साथ हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, डिप्टी सीएम दिया कुमारी को बनाया गया है, क्या मानते हैं पूरा और जो नीति है रणनीति है प्रधानमंत्री मोदी की उसको लेकर क्या कहेंगे आज? देखिए, मोदी जी के बारे में हम इतना कहेंगे, कभी भी किसी भी कार्यकर्ता को जो मेहनत करने वाला है उनको पूरा वेटेज देते हैं और बीच में से लेके आते हैं, तो ये सबसे बड़ी राजस्थान के लिए गर्व की बात है। आदरणीय दिया कुमारी जी को मौका दिया और आदरणीय दिया कुमारी जी को उप मुख्यमंत्री बनाया, ये हमारे लिए विद्यानगर विधानसभा क्षेत्र के लिए भी गर्व की बात है और पूरे राजस्थान के लिए गर्व की बात है। बिल्कुल, ये बात सही है कि जो सीताराम अग्रवाल कांग्रेस के हैं वो सेकेंड टाइम उनको टिकट दिया था पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने उनको भारी मतों से पराजय करके वो विधायक बनी थी। अब जो राजनीति रहने वाली राजस्थान की विकास कार्यों की बात करें, क्योंकि लगातार जो दावे किए जाते हैं पब्लिक द्वारा, जनता मांग करती है विकास कार्यों को, जो नेता जो है लगातार अपने चुनावी भाषणों में ये दावे करते हैं कि विकास कार्य करवाएंगे, तो उसमें कितना आप मानते हैं दावों में कि जो नया मंत्रिमंडल घोषित हुआ है या दो डिप्टी सीएम और सीएम बने हैं मदनलाल शर्मा, वो कितना आगे बढ़ ले पाएंगे? देखिए, सुशासन आएगा, बहुत काम होंगे, विकास कार्य जो रुके हुए थे, जो लड़ाइयाँ हो रही थी कांग्रेस सरकार में, वो सब लड़ाइयों को हटा के अब हम लोग सुशासन पे काम करेंगे। राजस्थान में हर जाति को का विकास भी होगा और हर जाति के लिए सरकार काम भी करेगी। और भाजपा का तो यही नारा है कि जनता के लिए हम हमेशा काम करते हैं, और ये मोदी जी का आशीर्वाद है, मोदी जी के सिद्धांतों पर, मोदी जी के नीति पर काम हो रहा है, तो भाजपा सरकार बहुत अच्छा काम करेगी आने वाले टाइम में। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि लगातार जो मोदी हैं उनके फेस पे ही चुनाव लड़ाया गया था और राजस्थान में सीएम फेस घोषित भी नहीं किया गया था, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि मोदी के नाम पे, मोदी के फेस पे जो चुनाव लड़ा गया, 100% जीत मिली बीजेपी को राजस्थान में। मतलब कुछ देखिए, यहाँ पे मिठाइयों का दौर शुरू हो चुका है, हम दिखाना चाहेंगे लगातार जो मिठाई है वो उनका दौर शुरू हो गया है और दिया कुमारी के बंगले में हम खड़े हैं, एक दूसरे को लगातार मिठाई खिलाई जा रही है। यहाँ पे जो दिया कुमारी हैं डिप्टी सीएम बनी, उसकी खुशी में और प्रचंड जीत की, बीजेपी की जीत में ये मिठाई का दौर शुरू हो गया है। यहाँ पे दिया कुमारी का बंगले पे हम खड़े हैं, जहाँ पे हमारे साथ समर्थक कुछ जुड़े हैं। लगातार जो कयास लगाए जा रहे थे सुबह से, मीडिया में चर्चा थी कि किरोलाल मीणा या फिर दिया कुमारी को सीएम बनाया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं दिया कुमारी को पद मिला है, हमारी जो खबर थी उस पर मोहर लगी है, डिप्टी सीएम बना दिया गया है। हम और दो समर्थक उनसे बात करने को, सर लगातार जो प्रधानमंत्री मोदी है वो चौंकाने वाले रवैये से फेमस रहे हैं, मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, उन्होंने वो तगड़ा गेम खेला वहाँ पे, वही राजस्थान में हुआ है, कैसे देखते हैं इस पूरे गेम को? ये राजस्थान में कार्यकर्ता को तवज्जो दी गई हुई है, नीचे से जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को बनाया गया, और दिया कुमारी जी पहले MLA रह चुकी हैं और सांसद रह चुकी हैं, इनको कार्य करने का बहुत अनुभव है, इसलिए राजस्थान में पूरे राजस्थान को छत्तीसपुरम को साथ लेके बहुत ही विकास होगा। और दिया कुमारी जी विकास पुरुष के नाम से ही जानी जाती है, जहाँ से सांसद है वहाँ कभी रेल आई नहीं थी, इनके आने के बाद रेल आई है, वहाँ पे बहुत विकास किया है, वैसे ही विद्याधर नगर में भी आके इनके नाम से पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा वोटों से जो इनकी जीत हुई थी वो इनके विकास को लेके ही हुई थी, और अब राजस्थान में बहुत ही विकास होने वाला है। समर्थकों का मानना है कि विकास की जो नदी है वो अब बहने वाली है राजस्थान में, बीजेपी आई है तो सुशासन आएगा। एक महिला समर्थक भी हमारे साथ मौजूद है। मैडम, पूरा गेम ही चेंज कर दिया प्रधानमंत्री मोदी की नीति ने, सीएम के कई कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन बदनलाल शर्मा को जब मोहर लगी उनके नाम पे और डिप्टी सीएम के नाम पे दिया कुमारी और प्रेमचंद बेहरवा के नाम पे लगी, तो पूरे गेम को कैसा क्या मानते हैं आप?
गेम में सबसे पहले तो मोदी जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो जो भी गेम खेलते हैं दिल से मन से खेलते हैं और वो गेम जो वो सबको हम सबको मान्य रहता है। तो मैं अपने सीएम साहब को, डिप्टी सीएम साहब को, सबको बधाई देना चाहती हूँ इस अवसर पे। बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं हैं। यहाँ पे आप क्यों आई हैं? मैं कुछ काम से आई थी लेकिन यहाँ पर रुकी कि मुझे उम्मीद थी कि पहले शायद सीएम बनेंगी, लेकिन मेरी उम्मीद जो थी, जो मैं परसों से दो दिन पहले से मैंने कहा था, नहीं डिप्टी सीएम ही बनेंगी जैसा मेरा मन कहता था। वो कुमारी जी आने वाली हैं, कैसे क्या उनका स्वागत करेंगे आप? स्वागत, बिल्कुल स्वागत है हमारा। कैसे करेंगे? एक सबसे मेन चीज़ और बताऊँ, जो हमारी विद्याधर नगर से, मैं वार्ड 8 से पार्षद हूँ वहाँ पे, तो दिया कुमारी जी का जो पूरा चुनाव के टाइम में वो रहा, बहुत नई थी, हमारे लिए भी नई थी, लेकिन जो उनका सहयोग रहा आज, उससे हमारे मन में ये भावनाएं पैदा हो रही हैं, इच्छाएं भी हैं हमारी कि शायद आज हम अपने विद्याधर नगर को जैसा करना चाहते थे, बनाना चाहते थे, वो विद्याधर नगर हमारा आज जो है पूरे वर्ल्ड में उसको ऐसा कर देंगे कि पूरे वर्ल्ड में जाना जाए कि विद्याधर नगर से दिया जी जहाँ से चीफ डिप्टी सीएम है, वो विद्याधर नगर एक वास्तविक एक ऐसी जगह है कि वो पूरे वर्ल्ड में हम ना। बिल्कुल, ये महिला समर्थक है, उनको कहना है कि विद्याधर नगर को हम वर्ल्ड लेवल, वर्ल्ड क्लास बनाएंगे और पूरे जो बाहर वर्ल्ड है, विदेश है वो उनको सामने विद्याधर नगर की नई तस्वीर सामने लाएंगे, क्योंकि बीजेपी जो शासन है वो आ चुका है और डिप्टी सीएम दिया कुमारी बनी है, वो डिप्टी सीएम दिया कुमारी जो बनी है विद्याधर नगर से प्रचंड जीत के बाद में, कांग्रेस के जो सीताराम अग्रवाल थे उनको हरा कर दिया कुमारी जी वहाँ से विदाई बनी है और उनको आज मंत्रिमंडल में जगह मिली है और डिप्टी सीएम बनाया गया है। हमारे साथ कुछ समर्थक और भी जुड़े। सर कहाँ से हैं आप? मैं विद्याधर नगर से। सीताराम अग्रवाल की लगातार हार हुई है और दूसरी बार चुनाव लड़े थे, भारी बहुमत से दिया कुमारी ने चुनाव जीता है। अभी जो डिप्टी सीएम बनाया है, पूरा गेम खेला, बदनलाल शर्मा का नाम कहीं नहीं था लेकिन उनको प्रधानमंत्री मोदी द्वारा एक नीति से खेल के, रणनीति राजनीति खेल के सीएम बनाया, डिप्टी सीएम दो बना दिए गए हैं, पूरे गेम को कैसे मानते हैं? सबसे पहले मैं दिया कुमारी जी को उप मुख्यमंत्री बनाने पर बधाई देता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के नेतृत्व को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं। और ये एक बहुत ही सोचा समझा और उचित निर्णय था। जैसा कि मोदी जी और अमित शाह जी जाने जाते हैं अपने निर्णय लेने के लिए, उन्होंने ठीक देश हित में और राज्य के हित में ये निर्णय लिए हैं और इसी परिपाटी को आगे रखते हुए उन्होंने राजस्थान में मुख्यमंत्री का चुनाव किया है और दो उप मुख्यमंत्रियों का चुनाव किया है। इन्होंने कहा है कि मोदी की नीति है वो सबसे परे है, जो चौंकाने वाले तथ्य हैं वो हमेशा सामने आते रहते हैं मोदी। सर एक अंतिम सवाल आपसे मैं ये पूछूंगा कि पूरे विकास को लेकर अगर दावे किए जाते हैं, बड़े बड़े पार्टियां जो दावे करती हैं, नेता जो दावे करते हैं, अब क्या विकास रहने वाला, कैसा विकास रहने वाला राजस्थान में? आज जो है राजस्थान में नए सूरज का उदय हुआ है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो 2047 तक देश को दुनिया के अग्रणी देश और एक विकसित देश में कन्वर्ट करने का जो निर्णय किया है, उसमें राजस्थान की सरकार कंधे से कंधा मिला के सहयोग करेगी और हमारे जो नए मुख्यमंत्री जी हैं और उनके साथ जो दो उप मुख्यमंत्री बने हैं और पूरी राजस्थान सरकार मोदी जी के मिशन को 2047 में उन्नत देश, विकसित देश जो उनका मिशन है वो पूरी तरह से कामयाब होगा, ये राजस्थान सरकार का पुरजोर कोशिश रहेगी। बिल्कुल, इन्होंने कहा कि राजस्थान में जो विकास कार्य हैं वो अब बढ़ चढ़ कर होंगे और जो सरकार जो आई है बीजेपी की और डिप्टी सीएम जो दिया कुमारी बनी है वो भी लगातार यहाँ पे विकास कार्य कराएंगी। हम सीधे रुख करते हैं, अंदर दिखाते हैं आपको किस प्रकार से मजमा लगा हुआ है यहाँ पे समर्थकों का, बताइए देने को तांता जो लगा हुआ है, हम दिखाना चाहेंगे दर्शकों को कि दिया कुमारी जो डिप्टी सीएम बनी है उनके यहाँ पे अंदर की तस्वीर दिखा रहे हैं। मैं हम कुछ समर्थक खड़े हैं, उनसे बात करें। मैडम कहाँ से हैं आप? विद्याधर में विधानसभा से। सीएम बना दिया गए हैं, डिप्टी सीएम बना दिए गए हैं, कैसा मानते हैं, क्या विकास कार्य अब होने वाले हैं, रहने वाले जो कांग्रेस कार्यकाल में नहीं हुए? अभी तो आज उनकी घोषणा हुई है, विकास कार्यों की तो बोछार होगी क्योंकि वो आगे भी जब सवाई माधोपुर थी और राजसमंद थी तो उन्होंने वहाँ पे विकास कार्य बहुत किए हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि विकास कार्यों में कोई कमी होगी। और अब तो वो पूरे राजस्थान के लिए डिप्टी सीएम बने तो पूरे राजस्थान में विकास कार्य होगी। बात करें विद्याधरनगर सेक्टर की, क्षेत्र की बात करें विधानसभा की, वहाँ पे क्या विकास कार्य जो हैं आज मुद्दे बनाए गए थे जब चुनाव लड़े गए थे विधायक के विधानसभा चुनाव में दिया कुमारी द्वारा, क्या विशेष मुद्दे रहे हैं जो?
विशेष मुद्दा एक तो जो डेहर के बालाजी पे पानी भरता था हमेशा बारिश के टाइम पे, वहाँ पे नावें चलाया करते थे, उसका एक था, तो मैडम ने उसके लिए भी कराया कि वो बिल्कुल उसको क्लियर करवाएंगी। एक थोड़ा सा मुरलीपुरा क्षेत्र जो आता है मंडल का, मुरलीपुरा का जो गाँव ढाणियों वाला क्षेत्र आता है, वहाँ पानी की और सड़क की सीवरेज की समस्या है, बाकी तो पूरा विकास है। कुछ ही देर में दिया कुमारी जी पहुँचने वाली है, किस प्रकार स्वागत करेंगे आप उनका? मतलब बता नहीं सकते कि इतनी खुशी हो रही है कि हम कैसे स्वागत करें, कैसे मतलब बिल्कुल पलक पावड़े बिछाए हुए हैं हम उनके स्वागत के लिए कि वो आए, और हम बस उनको बहुत अच्छे शुभकामनाएं। हमारे पास शब्द नहीं है मैडम का स्वागत किस प्रकार से करें, हम बहुत मतलब इतनी खुशी हो रही है हमको मैडम को सीएम देखे, जैसे मतलब कहते हैं ना एक्साइटमेंट बहुत अच्छा वाला है, तो वो फीलिंग नहीं बता पा रहे हम। ये महिला समर्थक है जो लगातार दिया कुमारी के बंगले पे खड़ी है और उनका जाने का इंतजार किया जा रहा है, और पलक पावड़े इन्होंने बिछा दिए हैं स्वागत के लिए, ये बहुत बड़ी एक अच्छी बात है। मेरे साथ कुछ और भी महिलाएं समर्थक खड़ी हैं, उनसे बात कर लेता हूं मैं थोड़ा सा कि आखिर इनके दिमाग में चल क्या रहा है। मैडम किस प्रकार देखती हैं दिया को जो डिप्टी सीएम बना दिया गया है, कैसे क्या मानती हैं विकास कार्यों को लेकर, क्या संभाल पाएंगी आगे तक? बहुत अच्छे से संभाल पाएंगी, क्योंकि उनको पहले भी दो टास्क वाले क्षेत्र दिए गए थे, सवाईमाधोपुर राजसमंद, उन पर भी उन्होंने बहुत अच्छी बढ़त हासिल की और वहाँ पर बहुत अच्छे कार्य किए। अभी जैसे वर्तमान में विद्याधर नगर की तो सैटेलाइट हॉस्पिटल की डिमांड है, वो भी पूरी होगी, साथ ही साथ एक गवर्नमेंट वहाँ पे विश्वविद्यालय की भी डिमांड है जो वहाँ की पब्लिक के लिए ज़रूरी भी है, उनकी पूरी होगी। आप थोड़े से जानना चाहूँगा कि क्या विकास कार्यों के मुद्दे रहे थे जब चुनाव फाइट किया था दिया कुमारी ने विद्याधर नगर सीट से, क्योंकि वो क्षेत्र उनके लिए अनजान था, अचानक उनको वहाँ से टिकट दिया गया, तो कैसे मानते हैं कि क्या विकास कार्य के मुद्दे जो थे वो अब कितने पूरे हो जाएंगे? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी उनके लिए कोई भी क्षेत्र नया नहीं था कारण के पीछे, क्योंकि वो तो हमेशा ही जो भी आ जाता है सभी के लिए काम करते रहे हैं, कोई भी कहीं से भी आ रहा है किसी भी क्षेत्र को नए देखकर वो हर क्षेत्र के लिए काम करने के लिए तैयार रहते हैं हमेशा से ही। लेकिन जो भी उनको पहले क्षेत्र दिए गए वहाँ का आप देख लीजिए, उन्होंने हमेशा ही जो जनता की जो एक्सपेक्टेशन थी उसको फुलफिल की है, चाहे वो सवाई माधोपुर ले लें हम या फिर हम राजसमंद ले लें, सभी की जगह पे उन्होंने काम किए हैं और बहुत अच्छे से किया है। और रही विद्याधर नगर के, तो विद्याधर नगर के लिए भी वो क्षेत्र में काम करना उन्होंने चालू कर दिया है, और वहाँ की जो भी व्यवस्थाएं हैं उनकी रिपोर्टिंग लेनी और अधिकारियों से मीटिंग करनी, ये सब उन्होंने स्टार्ट कर दिया और काम भी किए जा रहे हैं। अभी यहाँ पे क्यों खड़ी हैं आप? मैं दिया कुमारी जी से दिल से जुड़ी हुई हूँ, उनके स्वागत के लिए जुड़ी हुई हूँ, उनको कुछ भी कैसा भी पद क्या भी मिलता हम दिल से उनको चाहते हैं और इसके लिए खड़े हैं। देखिए यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात सामने ये है कि दिया कुमारी जी जो डिप्टी सीएम बनी है उनके समर्थन में महिलाओं का हुजूम जो है अच्छा खासा तादाद में यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि पूरी महिलाएं हैं, चाहे वो जाति विशेष से ना कहकर हम सर्व समाज की महिलाएं कह लें जो उनके समर्थक हैं, हम कुछ महिलाएं उनके समाज से बिलोंग करती हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैडम कहाँ? मैं तो सर यहीं से हूँ, वैसे राजसमंद से बिलोंग करती हूँ मैम के ही क्षेत्र से, लेकिन अब यहाँ मैम विद्याधर नगर में, विद्याधर नगर में ही रहती हूँ। वेरी गुड। किस प्रकार मानते हैं कि जो जीत मिली है परसेंट उसके बाद में डिप्टी सीएम चुना जाना एक विधायक को, उसके मायने तो कुछ अलग है, आप क्या मानती हैं, समर्थक हैं आप? बिल्कुल सर समर्थक है, एक महिला के तौर पर मैम को आगे बढ़ाया गया है, क्योंकि मैम के रूप में हर महिला अपने आप को देख रही है। यहाँ दिया कुमारी जी खुद अपने आप, उन्होंने ये कहा था कि सब दिया है, तो सभी उनके रूप में थे, प्रेजेंट हुए थे, और नरेंद्र मोदी जी ने महिला को आगे बढ़ाया है, तो अब पूरे राजस्थान की महिलाओं का भी आत्मविश्वास आगे बढ़ेगा उन्हें। खुल लेता हूँ कि पूरा जो गेम है, मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, वहाँ पे भी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा एक अच्छी रणनीति लगाई गई, वहाँ पे की गई, और राजस्थान में भी अचानक भजनलाल शर्मा को सीएम और डिप्टी सीएम दिया कुमारी को और प्रेमचंद बेरवा को बनाकर एक चौंकाया है, कैसे पूरी गेम को मानते हैं? ये तो मोदी जी के ऊपर है, मोदी जी का जो फैसला है वो हम सबको मानना है, लेकिन दिया दीदी को डिप्टी सीएम बनाने पर हम बहुत खुश हैं, मतलब हमारे पास शब्द नहीं है मैडम की खुशी किस तरह हम इजहार करें। आप बताना चाहेंगे कि लगातार सुबह से मीडिया रिपोर्ट्स हम दिखा रहे थे कि कई नाम सामने आ रहे, सीएम भी चेहरे के लिए किरोड़ लाल मीणा की बात कर रहे हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत की बात कर रहे हैं, लेकिन अचानक जो चिट्ठी खोली है प्रधानमंत्री मोदी की, राजनाथ सिंह ने खोली है और वसुंधरा राजे उनके साथ रही है, कितना क्या मानते हैं कि कुछ ना कुछ बहुत बड़ा गेम चेंज किया है मोदी ने? गेम चेंज नहीं किया है, एक तो जो 33% महिलाओं के लिए आरक्षण का बिल पास किया संसद में उसको उन्होंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है एक महिला को डिप्टी सीएम बना के। दूसरा जो मोदी जी का फैसला है वो सारे जाति समीकरण को देखते हुए भी किया गया है, क्योंकि कुछ चेहरों के लिए बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं थी, लेकिन वो उन्होंने पूरा समीकरण बैठा के जो फैसला लिया मुझे लगता है कि वो बिल्कुल ठीक है।
पिछले दिनों लोकसभा जो चली थी वहाँ पे 33% महिलाओं को आरक्षण देने की बात या प्रस्ताव पास हुआ था, उसका इंप्लीमेंट यहाँ पे बताया जा रहा है कि डिप्टी सीएम जो दिया कुमारी उनको बनाकर महिलाओं को जो 33% आरक्षण मिला था उसको इंप्लीमेंट किया गया है, बहुत बड़ी बात निकल के सामने आई हमारे सामने। मैडम आपसे भी जानना चाहेंगे, आप शायद उदास खड़ी। मैं मतलब दिया कुमारी जी को डिप्टी सीएम बनाने पे आज हम सब बहुत खुशी है, और एक मतलब महिलाओं को इतना बड़ा नेतृत्व मिला है तो वो हम सबको लेके आगे बढ़ेगी, इसलिए मैं उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं देती हूँ। यहाँ पे उज्ज्वल भविष्य की कामनाएं शुभकामनाएं दी जा रही हैं। मेरे सीधा देखिए सीधा ये और भी महिलाएं कुछ हैं, एक्साइटमेंट है उनके चेहरे पे, जो खुशी है जो जीत की खुशी है वो साफ झलक रही है। एक मैडम आप किस प्रकार देखती हैं पूरे जो दिया जी की ये जीत है, ये हम सब की जीत है। हमारे विद्याधर नगर से उन्होंने, मेरे को 30 साल हो गए विद्याधर नगर रहते हुए, तो जो विकास की उम्मीद अब है वो हमें कभी पहले नहीं थी, एक बात। दूसरी बात, वो हमारे जयपुर को रिप्रेजेंट कर रही हैं, हमारे राजस्थान को रिप्रेजेंट कर रही हैं। उन्होंने हमारे जयपुर को जो सशक्त बनाया है, एक महिला को जो सामने ला के खड़ा किया है, उसकी तो कोई सानी ही नहीं है। हमारे लिए तो ऐसा है कि जब उनको उन्होंने पर्चा भरा था, जब उनको ये सीट के लिए खड़ा किया गया था, दावेदारी थी एमएलए की, तब हमको ऐसा लगा था कि हमारा इम्तिहान चालू हुआ है, और आज हम डिस्टिंक्शन 99% मार्क्स से पास हुए हैं। बहुत खूब, ये डी इनके जैसे वहाँ हम सोचते हैं कि स्कूलों में डी लगता है कहीं तो बच्चा छात्र खुश होता है, वैसे ही इनके चेहरों में जो खुशी है डिटेक्शन की वो बहुत ज़्यादा निकल के सामने आ रही है, दिख भी रहा है। एक महिला और भी खड़ी है समर्थक, थोड़ा सा आगे आ जाएं आप। क्या नाम है? मेरा नाम सुनीता राठौड़ है, मुखीपुरा मंडल महामंत्री विद्याधर नगर से। विद्याधर नगर में जीत मिली है अच्छी खासी दिया कुमारी जी को, और आज डिप्टी सीएम बना दी गई हैं, किस प्रकार देखती हैं पूरा, क्या खुशी आपकी दिल में है, थोड़ा विस्तार से बताएं। खुशी का तो क्या बताएं, 2 दिन से तो नींद भी नहीं आई, इंतजार था कि कब टाइम हो, कब मोदी जी का आए और हमारी दिया कुमारी जी को मौका मिले, कि हम तो सीएम डिप्टी सीएम के रूप में देखना चाह रहे थे, वही भगवान ने हमारी कामना सुन ली। मैडम ने जिस दिन नामांकन भरा था उस दिन उन्होंने एक बात बोली थी कि हर महिला अपने आप को दिया कुमारी समझ के काम करे, और इस बार महिलाओं ने अपने स्वविवेक से खुद घरों से निकल के जितनी बड़ी संख्या में उनके लिए वोटिंग के लिए अपील की, और उसका परिणाम तो आपने देखा ही होगा। और जिस दिन उन्होंने नामांकन भरा उसी दिन सब महिलाओं ने उनको सीएम मान लिया था, और हमने अपनी कैंपेनिंग उनको सीएम एज ए सीएम की उनकी कैंपेनिंग। महिलाएं जो हैं समर्थक, उनका साफ साफ कहना है कि जिस दिन नामांकन उन्होंने दर्ज किया था दिया कुमारी ने विद्याधरनगर विधानसभा से, उस दिन से उनको सीएम हमने मान लिया था, और महिलाओं की बहुत बड़ी भागीदारी रही है इसमें, पूरे जो चुनाव फाइट किए बिना सीएम फेस के फाइट करे किए, और प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर इनको वोट मिले हैं, महिलाओं ने कहीं ना कहीं इनको बहुत आगे बढ़ाया। हमारे साथ कुछ और भी इधर महिलाएं हैं, आपका नाम क्या है? नीलाक्षी महर्षि। कहाँ से हैं? मैं जयपुर राजस्थान से। जयपुर में कहाँ? विद्याधरनगर से हूँ। डिप्टी सीएम दिया कुमारी बना दी गई हैं, विद्याधरनगर की विधायक हैं, आप देखते हैं पूरा क्या खुशी आपके दिलों में है, किस प्रकार स्वागत करेंगे आप? जब से वो सवाई माधोपुर से विधायक थे, राजसमंद से सांसद थे, और उससे पहले भी जिस तरीके से वो सोशल वर्क और गर्ल्स के लिए, वेमेन के लिए और यूथ के लिए काम करते थे, शुरू से ही वो एक डायनेमिक और इम्प्रेसिव और प्रोएक्टिव पर्सनालिटी रहे हैं। और विद्याधरनगर की एक निवासी होने के नाते, एक महिला होने के नाते, यूथ होने के नाते, और बहुत सारी तरह से मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि हमारी जो प्रतिनिधि हैं वो दिया कुमारी जी हैं, और वो डिप्टी सीएम हैं, वो बहुत कुछ डिजर्विंग है, क्योंकि उनकी एक सोच जो है बहुत आगे चलकर है, और उसका फ़ायदा पूरे राजस्थान को मिलेगा। जब चुनाव की हम तैयारी कर ही रहे थे उस समय भी हमने कहा था कि विद्याधरनगर को बहुत ही, पूरे देश भर में मॉडल होगा विद्याधरनगर। अब मैं कहती हूँ कि राजस्थान जो है विकास का, सुरक्षा का, एक अच्छे लेवल पे काम करने का, दिया मैम उसको एक मॉडल के रूप में पेश करेंगे। मुझे लगता है कि आने वाले 2 साल में हमें वो इफेक्ट बहुत बड़े लेवल पे देखने को मिलेगा। सो आई एम वेरी हैप्पी टू सी दिस। मैडम एक आपसे सवाल ये भी था कि महिला सुरक्षा की कहीं ना कहीं कमी रही है पिछले कांग्रेस सरकार में, तो अभी दिया कुमारी खुद एक महिला है, तो क्या मानते हैं कि महिला सुरक्षा को लेकर क्या कितना वो काम कर पाएंगी? देखिए इसका तो फर्क पड़ता ही है कि जब एक पिछले तो बिल्कुल ही कोई भी सुरक्षित नहीं था, महिलाएं तो बिल्कुल सबसे निचले दर्जे पे, उन्हें तो कोई भी, मैं खुद भी घर से बाहर जाती थी जबकि विद्यार्थी परिषद में कार्यकर्ता रही, महारानी कॉलेज में छात्र संघ में रही, लेकिन फिर भी एक डर हमेशा से रहता ही था। लेकिन अब जब दिया मैम रिप्रेजेंटेशन कर रही हैं तो वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के भी, इनफैक्ट जब वो सवाई माधोपुर विधायक थी तो हम मिलते थे, उन्होंने यहाँ टूरिस्ट कैसे आएंगे, वेमेन टूरिस्ट कैसे रहेंगे, उनके लिए क्या, उनका अनजान, मतलब ऐसे छोटी बारीक बारीक बातों पर वो काम करती थी।
और राजस्थान की जनता को बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा कि काम सुरक्षा में किस हद तक हो सकता है, सुरक्षा क्यों नहीं थी, कैसे हो सकती है, क्यों लोग बड़े बड़े जुमले करते हैं और जुमले करने वाले और जिम्मेदारी उठाने वाले लोगों में क्या अंतर होता है, ये हमें बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। हम बहुत संतुष्ट हैं, बहुत खुश हैं और बहुत ही अच्छी उम्मीदें हम करते हैं और हम उनके साथ अच्छे से इन चीज़ को कर पाएंगे, इसका पूरा विश्वास है। ये हमारे साथ एक युवा लड़की हैं जो जुड़ी थी, हम अंदर भी दिखाना चाहेंगे। देखिए यहाँ पे पूरा मजमा लगा हुआ है और जो दिया कुमारी जी का कॉन्फ्रेंस हॉल है या फिर जहाँ पे वो मिलती हैं जनता से रूबरू होती है, वो भी रूम दिखाया हमने। हम वापस बाहर चलते हैं, एक बार दिखाते हैं कि लगातार यहाँ पे जो समर्थक है उनका जमावड़ा बढ़ना शुरू हो गया है और जब से डिप्टी सीएम की घोषणा हुई है तब से ही यहाँ पे मीडिया जो जमावड़ा है समर्थकों का, वो यहाँ पे बधाई देने वालों का तांता जो लग चुका है, दिखाना चाहेंगे हम आपको पूरा। देखिए किस प्रकार से यहाँ पे चहल पहल बढ़ गई है और जो एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और बुके देकर इनको बधाई दी जा रही है और जैसे ही दिया कुमारी जी यहाँ पहुँचती हैं कुछ ही समय बाद में तो उनको भी अच्छे से स्वागत किया जाएगा उनका, क्योंकि महिला समर्थक भी ज़्यादा हैं और जो समर्थक हैं उनके पुरुष भी बाद में वो भी लगातार उनके स्वागत के लिए आंखें पलक बावड़े बिछाए यहाँ पे खड़े हैं। कैमरा पर्सन संजय शर्मा के साथ संदीप अग्रवाल, नगरी मीडिया, जयपुर।